तो दोस्तों देख सकते हो हमेशा जो सर्च टर्म है उसमें काफी सारे कीवर्ड्स लिखे हुए आते हैं, लेकिन ये वीडियो में जब सर्च टर्म पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले YT वीडियो में बताने वाला नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो, इससे क्या प्रॉब्लम आता है, इसका क्या हल है। तो अगर दोस्तों आपके भी वीडियो में यही दिखा रहा है नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, तो वीडियो को एंड तक देखना, आप अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपके भी वीडियो पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है इसी वजह से आपके व्यूज भी डाउन हो रहे हैं और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, तो इसे आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने मिले आगे भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नया YouTube चैनल बनाया मिडिल क्लास भरत, इसके ऊपर आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये मोस्टली ना नए YouTube चैनल के ऊपर ही ज़्यादा बताता है, तो इसके वीडियो के ऊपर क्लिक करना है हमें, और अभी सर्च ऑप्शन पे हमें जस्ट क्लिक कर देना है। तो नीचे हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे YouTube सर्च टर्म एक्सटर्नल साइट सजेशन दिस वीडियो, तो जस्ट हम YouTube सर्च टर्म पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो दिस रिपोर्ट। और दोस्तों अगर यही मैं अपने मोस्ट व्यू वीडियो पर चेक करूँगा तो वापस से व्यू मोर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और अभी हम रीच ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हो सब में डाटा बता रहा है एक्सटर्नल साइट यूट्यूब सर्च टर्म कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो। तो जस्ट हम यूट्यूब सर्च पे क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो भी टैग्स है वो रैंक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये सारे टैग को कॉपी करके अपने वीडियो के टैग्स में डाल दिया है, इसके वजह से ये वीडियो रैंक भी कर रही है, इवन काफ़ी सारे वीडियो ये वीडियो को सजेशन भी कर रहे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये किस लिए आता है, इसका रीजन क्या है और इससे आपके चैनल पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा उसमें नो एक्सटर्नल साइट नो यूट्यूब सर्च टर्म और नो सजेशन वीडियो, तीनों में नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो बता रहा था, क्योंकि जो आपने टाइटल डाला है टैग्स डाला है डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो कोई भी रैंक नहीं कर रहा है, किसी भी सजेशन में नहीं आ रहा है, या कोई भी आपका वो टैग सर्च कर रहा है तो यूट्यूब सर्च में रैंक नहीं कर रहा है, इसी वजह से आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं बता रहा है। सो इसका मेन रीजन है आपका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से नहीं डाला है, आपका उस टाइटल टैग में से कोई भी टैग रैंक नहीं कर रहा, आपको उसको चेंज करना चाहिए, आपका टाइटल भी चेंज करना चाहिए। दोस्तों ये भी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आने का रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो फिर वो सजेशन यूट्यूब सर्च टर्म से आ रहे हैं, तो फिर आपको वो टैग्स दिख रहे होते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मोस्टली ये 24 आवर्स के बाद में आपको शो करता है जो भी आपके टैग्स रैंक कर रहे या फिर आपका वीडियो सजेशन में किसी के बता रहा है, तो मोस्टली 24 आवर्स के बाद में अपडेट होता है। तो दोस्तों आपको 24 आवर्स के बाद में एक बार चेक कर लेना चाहिए, यूट्यूब सर्च के ऊपर क्लिक करना चाहिए और जो भी आपके टैग्स रैंक कर रहे उसको आपको अपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में डाल देना चाहिए, उससे आपके वीडियो के व्यूज बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके 24 आवर्स के बाद में भी ऐसे ही दिखा रहा है नो इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो दिस रिपोर्ट, तो आपको अपना टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी रैंक नहीं कर रहा है, इसके लिए आपके वीडियो पे भी व्यूज नहीं आ रहे और आपको अपने वीडियो का SEO जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिलेगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे सेफ टेक केयर, बाय बाय, सयोनारा।